हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मॉर्निंग से मेरा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, है पुई पुई शाक बोलते हैं ना, उसका फल जो हम लोग पुई शाक का फल ही बोलते हैं तो उसके अंदर जो होता है ना, जो सीड रखने के लिए, वही है। तो आज यही पकाऊंगी। हाँ, तो यहाँ पे मेरा खेती का पालक और ये पुई शाक का मैंने काट कर धो के सारे दोनों क्लीन कर लिया है, तो इसको आज बनाऊंगी। तो इसके अंदर एक धनिया भी थे, तो मेरे पास हरा धनिया भी है ना, तो वो दो एक आ गया इसके अंदर। तो हम अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो बर्तन वर्तन सब कुछ बिठा लिया और गर्म हो रहा है अभी साग, और वो तो अलग अलग बनाएंगे, लेकिन मैंने क्लीन कर लिया है। और आलू वालू भी काटना है, तो वही मैं काट रही हूँ और धो के क्लीन करके एक बार उसके अंदर डाल देंगे, सब्जी के अंदर। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, और मेरा बेटी वो नहीं करने देती है ना, तो इसलिए मैं मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। तो मैं बनाती हूँ और सब्जी कटिंग करती हूँ और क्लीन करती हूँ और बनाती हूँ, ऐसे जो होता है ऐसे ही करती हूँ जल्दी जल्दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पहले से काट के धो के क्लीन करके फिर आप लोगों को दिखाओ, तो इसलिए नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बैंगन, आलू और मूली दे के बनाऊँगी वो पालक का जो साग है वो, और इसमें इसके अंदर जो पुई शाक का फल है ना, इसके अंदर मैं बैंगन डाल के बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे बात सुन के तो आप लोग समझ जा रहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, गले में बहुत दर्द है। मेरा बेटी की तबीयत तो अभी ठीक है, लेकिन मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो सच में नहीं कर पा रही हूँ। ये तो पहले का बना हुआ था, वो मैं डाल भी नहीं पा रही थी, ये लेकिन क्या करूँ। मैं शॉर्ट वीडियो दो एक भी फिर भी मैं डाल देती हूँ जब मेरा वीडियो नहीं होता है, लेकिन मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब थे तो मैं बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन कुछ भी वीडियो नहीं डाला है। आई होप आप लोग मेरे साथ रहेंगे, और जैसे भी होता है मैं छोटा बहुत आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। जानते हैं तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ऑब्वियसली मेरा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं सच में कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी करना स्टार्ट कर दिया तो कैसे छोड़ दूँ, तो इसलिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत, जैसे भी हो तो डालना तो पड़ेगा कुछ भी हो। मेरा तो ऐसे अच्छा नहीं, तबीयत भी अच्छा नहीं है, और मेरा बेटी भी उसको मैंने यहाँ पे उसके चेयर के ऊपर मैंने बिठा दिया है, और मैं ऐसे करती हूँ। देखिए, सब्जी काट रही हूँ, धो रही हूँ और सब कुछ काट के इधर एक सब्जी बन रहे हैं, वहीं पे हमारे गर्म हो रहा है, हो जाएगा जब सब कुछ काटना, तो ऐसे ही देखिए बैंगन वैगन डाल के मैं ऐसे काट के धो के क्लीन करके मैं डाल दे दूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का वीडियो, तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। We'll be right back.
और ये देखिए मेरा बेटी, उसको भी तबीयत इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा काश रही है। देख फ़ोन को, उसको फ़ोन दे दिया, फ़ोन देख रही थी तो इसलिए वो चुपचाप बैठी है, न तो मुझे कुछ भी करने नहीं देती है। वो यहीं पे ही है मेरे पास, तो फ़ोन देख रही है। और फिर भी उसके पास आना पड़ता है ना, मैं खाना बना रही हूँ और उसके पास आ रही हूँ, जो जो बोल रहे सुनना पड़ता है। तो देखिए कितना, फ़ोन देखना अच्छा तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, खाना तो खाना है तो बनाना तो पड़ेगा। तो ऐसे करके करना पड़ता है, कोई नहीं है तो मुझे ही करना होगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए मेरा जो पालंग का साग है ना, तो उसको तो मैंने बहुत सारे सब्जी देके बनाया। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया, लेकिन बाद में करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे साग, ठंडी का मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने तो जो पूरी साग का फल है वो मैंने बना लिया है, और मेरा राइस तो पहले ही मैंने बना लिया है। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया था सुबह सुबह, वो तो नहीं कर, मतलब नींद से उठ के मुझे बेटी को खिलाना पड़ता है ना वही, तो ये दोनों सब्जी बनाए और राइस। और अभी अभी के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, जो बनाएंगे रात को, तो यही अभी खाना पीना करेंगे। और मेरा बेटी का तो देख ही रहे, खिलौना बिलौना है घर में, ऐसे रहते तो अभी खाना पीना बनाना हो गया। अभी थोड़ा काम है, भगवान को भोग भोग लगाना है, बहुत काम है, तो थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आप लोगों से। ये देखिए ये है तुलसी के पत्ते कितने सारे, मैं इसको तोड़ लिया है, थोड़ी देर पहले ही तोड़ा है मैंने, खाना पीना बना के फिर बाद में दोपहर को मैंने तोड़ा था, लेकिन अभी शाम हो गया तब मैंने वीडियो नहीं कर पाए, तोड़ तोड़ रही थी ना तो इसलिए नहीं हुआ, फ़ोन तो पकड़ने वाला कोई है नहीं तो इसलिए, और मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तुलसी का पत्ता, ओहो, तो भगवान की सेवा के लिए ज़रूरत होता है, तो इसलिए मैंने देखिए कितना सारा तोड़ लिया है, बहुत सारा ऐसे दिखाई दे रहा है, मैंने जो इसके ऊपर रखे है ना तो उसको धो के क्लीन कर लिया है। तो तुलसी का पत्ता मैंने अभी तक नहीं क्लीन किया है, अभी नहीं क्लीन करना है, अभी क्लीन करने से ना वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ऐसे ही इसको रखना है। और देखती हूँ, और आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में, तो इतना सारा तुलसी का पत्ता मैं भगवान की सेवा के लिए रख देती हूँ। देखिए मेरा मामा अभी अच्छी है, लेकिन जुखाम हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जुखाम, मतलब नाक से ठीक हो रहा है और इतना ज़्यादा पानी नहीं बह रहा है, लेकिन खांस रहे थोड़ा बहुत। देखिए वो स्वेटर मैं पहनाती हूँ पूरा खोल दिया, उसका शॉक्स भी मैंने पहनाया वो भी खोल दिया, ऐसे ठंडी लगेगी ना तो क्या होगा। और मेरा भी जुखाम जुखाम लग रहा है बहुत, पता नहीं मेरा नाक से जलन हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप लोगों से, अभी बहुत रात भी हो गया, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, अभी इसको थोड़ा सा खिलाना है, फिर खा के वो तो अभी नहीं सोएगी, थोड़ा सा खिलाना है, फिर वो दवाई भी थोड़ा सा देखती हूँ, नहीं खाएगी तो जुकाम हुआ है, बुखार नहीं है, जुकाम होने से मैं वो जो सरिषा का ऑयल है ना उसको वही लगाती हूँ रात को। और आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर किया है जो यहाँ के तुलसी का पत्ता देखा है ना, कितना सारा मैंने तोड़ा है। सच में मेरा घर में ना बहुत सारे तुलसी का पेड़ होता है, बहुत सारे, मैं फूल का पेड़ इतना टेक केयर नहीं कर पाती हूँ ना, तो इसलिए तुलसी का पेड़ बहुत ज़्यादा लगाती हूँ घर के सामने पीछे, और भगवान की पूजा के लिए तो ज़रूरत होता ही है। और हम लोग तो, और फिर भोग भी तो लगाना होता है ना, तो तुलसी के पत्ते के बिना कैसे करूँगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्या है ना, ठंडा होने से ना सबसे पहले जो ठंडा ठंडी हवा चलती है ना, तो उससे तुलसी के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं सब जो वो देखिए काट रहे हैं अभी, जो हुआ है उसको थोड़ा सा काट के मैं लेके आई हूँ घर में, मन नहीं करता है, इतना अच्छा हो रहे थे ना, बहुत अच्छा, और उनको काटने का थोड़ा सा लेके आए और भी है, और फिर एक दिन भी ठंडा होगा ना, एक दिन ठंडी में से वो सारे पेड़ कैसे झड़ जाते हैं और पूरा झड़ जाते हैं, पूरा खराब हो जाते हैं, तो इसलिए ये भी 2 महीने, ये भी तो फेब्रुआरी जनवरी फेब्रुआरी मार्च तक तो रहेगी, तो जब तक तुलसी का पेड़ नहीं होगा तब तक
तो काम तो चलाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हर साल मन नहीं करता है तुलसी का पेड़ तोड़ने के लिए, लेकिन हर साल करना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है भगवान के लिए। मैं तोड़ के उसको सुखा के रख देती हूँ। देखिए का तबीयत अच्छा नहीं है ना, और मेरा भी सच में मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी जुकाम जुकाम सा हो गया। तो देखिए अभी और नहीं रहेगी, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। और प्लीज और नहीं बात करेंगे, क्या चाहिए क्या चाहिए। ओ तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय 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 बाय, टेक केयर ऑल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।